हेलो स्टूडेंट्स, आज के अकाउंट्स के लेक्चर में चैप्टर देखते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है उसकी जो एनालिसिस की जाती है, बहुत तरीके से एनालिसिस की जाती है और बहुत डीपली एनालिसिस की जाती है। तो इतना डीप में तो हम एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि वो सारा जो है प्रोफेशनल्स का काम होता है। हमारे इसमें जितना मेथड है, जिस तरह से बोला गया है उस तरह से एनालिसिस करेंगे। तो उसमें दो मेथड है, कंपैरेटिव मेथड और कॉमन साइज मेथड। कंपैरेटिव मेथड में जो है प्रॉफिट एंड लॉस की जो है वो कंपैरिजन करके एनालिसिस की जाती है, और कॉमन साइज में और बैलेंस शीट की भी जो है एनालिसिस की जाती है। कॉमन साइज में भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों की जो है वो एनालिसिस की जाती है। डिफरेंस क्या है, कंपैरेटिव में जो है इंक्रीज डिक्रीज देखा जाता है, कोई भी चीज़ कितनी कम हुई या कितनी ज़्यादा हुई है। और कॉमन साइज में किसी एक फिगर को जो है, जैसे कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कॉमन साइज बना रहे हैं तो सेल्स को 100% पकड़ेंगे, बैलेंस शीट का बना रहे हैं तो टोटल एसेट्स को 100% लेंगे और टोटल लायबिलिटीज को 100% लेंगे, और उसके बेस पे देखेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी इंक्रीज हुई है या कौन सी चीज़ कितनी डिक्रीज हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस में सेल को 100 लिया तो देखेंगे उसके हिसाब से परचेज कितनी है, इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितने हैं। जबकि कंपेरेटिव में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते हैं, उसकी स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं तो देखेंगे कि हर एक चीज़ कितनी इंक्रीज डिक्रीज हुई है, उसके बीच पे हम परसेंटेज निकालेंगे कि बेस ईयर के हिसाब से वो चीज़ कितनी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। एनालिसिस क्यों की जाती है, कंपनी अपने रिकॉर्ड्स को ही एनालिसिस करती है, कंपेयर करती है लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स को करंट ईयर के रिकॉर्ड से, लास्ट मंथ के रिकॉर्ड को करंट मंथ के रिकॉर्ड से, या दूसरी कंपनी के साथ भी कंपेयर करके, और जो मैनेजर्स होते हैं उनको जो डिसीजन लेना होता है उस बेस पे वो डिसीजन ले सकते हैं। सेल्स मैनेजर जो है वो सेल्स रिलेटेड डेटा कंपेयर करके डिसीजन लेगा, मार्केटिंग मैनेजर जो है मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा का जो है एनालिसिस करके और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है, प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो प्रोडक्शन के डेटा कंपेयर करके और उस हिसाब से वो उसको जो भी डिसीजन लेना हो डेटा के बेस पे, जो रिजल्ट्स निकलते हैं उसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे जो एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया है उसमें कंपैरेटिव मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वो एनालिसिस करना है। तो देखोगे तो 2 इयर्स की सेल्स दी गई है, अदर इनकम दी गई है, तो सेल्स प्लस अदर इनकम टोटल इनकम बनती है, उसमें से एक्सपेंस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है। टैक्स रेट जितना भी परसेंटेज दिया गया उतना टैक्स माइनस कर देंगे इसमें से, ये टोटल इनकम रेवेन्यू उसमें से एक्सपेंस माइनस किए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स जितने परसेंटेज बोला गया वो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। अभी इसमें क्या करेंगे हम, इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ है वो देखेंगे। 4 लाख इंक्रीज हुआ है, इसमें जो है 1 लाख इंक्रीज हुआ है, इसमें 5 लाख इंक्रीज हुआ है, राइट। फिर यहाँ पे भी देखोगे तो 1 लाख इंक्रीज है, यहाँ पे देखेंगे तो 4 लाख इंक्रीज है, और 660 में से 540 जाएगा तो 120, और इधर देखेंगे 1540 माइनस 1260 तो 2,80,000 जो है वो इंक्रीज हुआ है। इतना करने के बाद क्या करना है, इसको 20 लाख से डिवाइड करेंगे, इनटू करेंगे 100, तो 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इनटू 100 तो मिलेगा सिंपल 20%। फिर 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इनटू 100 तो मिलेगा 50%।
फिर 5 लाख डिवाइड बाय 22 लाख, तो 22.7%, 1 डिवाइड बाय 4, तो 25%, फिर 4 लाख डिवाइड बाय 18 लाख, तो 22.2%, वन ट्वेंटी डिवाइड बाय, तो यहाँ पे भी 22.22%, फिर 280 डिवाइड बाय 1260, तो यहाँ पे भी आ रहा है 22.22%। तो इस तरह से क्या करना है, सबसे पहले जो भी इंक्रीज डिक्रीज है, 24 माइनस 20, 3 माइनस 2, तो इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज अगर होता है तो वो वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे हम। और फिर क्या करना है, 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, तो कितना परसेंटेज वाइज इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ वो हमको पता चल जाएगा। तो इसके बेस पे फिर इमीडिएटली फिगर्स देख के डिसीशन पता चल जाता है कि सेल्स जो है 20% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से, अदर इनकम जो है 50% इंक्रीज हुई है, ये जो अदर इनकम है उस पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो है देखते हैं तो परसेंटेज जो है ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इस तरह से सारे जो भी डिसीजन लेने हो लिए जा सकते हैं।